हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट नोट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पावर ऑफ साइलेंस। तो देखिए, ये कोई एजुकेशन पर्पस में नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसा बताएगा ये पावर ऑफ साइलेंस कि अगर आप किसी पावर ऑफ साइलेंस को जो लोग नहीं फॉलो करते तो वो ऐसे राज खोल देते जो कि उसको बताने ही नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक। तो ये एग्जाम्पल किसी बुक में नहीं लिया, मैंने अपने मन से बनाया है। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि मेरा जो फ्रेंड था तो नहीं मेरा जो फ्रेंड था तो उसके पापा इन्वेस्टमेंट करते थे और उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी में कर दिया। और एक होता है ऐसा, उसके एक पासवर्ड होता है तो उसके पापा ने कहा कि ये पासवर्ड किसी को बताना नहीं, वरना कोई भी मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो लड़का भूल गया कि मेरे पापा ने कहा था। उसने सोचा, चलो भाई इसको बता ही देता हूँ मैं, मैंने कहा। और मेरे दोस्त ने कहा, मेरे दो दोस्त थे, एक राहुल और एक चिंकू। तो चिंकू ने बता दिया, चिंकू के पापा ने मना किया था, चिंकू ने रिंकू को बता दिया। तो रिंकू ने क्या किया, अपने पापा को बताया। तो रिंकू के पापा ने क्या क्या चिंकू के पापा के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो क्या, तो देखिए पावर ऑफ साइलेंस। तो अभी एक बार क्या होता है, मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आदमी जो जाता है जंगल में, अब जाता है, वो सोचता क्या करूँ। तो उसको याद आता है कि मुझे तो अपने आंसर क्वेश्चन के तो आंसर कोई देता ही नहीं है। जब स्वामी पास चलता हूँ, गया स्वामी तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, उसने कहा, स्वामी जी आप मेरे सारे सवाल का जवाब देंगे? उसने बोला हाँ। तो फिर क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा कि मेरे एक शर्त है। तो उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे तो चाहिए आंसर, आप मुझे बताइए कौन सी शर्त है। तो बाबा ने कहा उन स्वामी ने कि तुम्हें इस पेड़ के नीचे 2 साल तक ऐसे बिल्कुल चुप बैठना है, ना ही कुछ बोलना, कुछ नहीं बोलना, मुंह को लॉक कर दीजिए और उसकी चाबी फेंक दो। तो बिल्कुल लॉक। और जब वो 2 साल तक ऐसे बैठा रहा तो बताओ क्या हुआ फ्रेंड्स, तब क्या हुआ, फिर बाबा ने पूछा, बताओ हमने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या था, उसने बोला कि बाबा मुझको आप सब पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे तपस्या करके मुझे खुद अपने क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। तो मतलब एक आदमी था जो पाकिस्तान में रहता था, USA वाले उसको ट्रैक कर रहे थे, ये थर्ड एग्जांपल है। तो उसको जब भी किसी से बात करनी होती, गाड़ी चला के 2.5 किलोमीटर दूर जाता, तब फोन में चार्ज करता और तब बात करता। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन वो बात कर रहा था उससे, उसके दोस्त से पूछा, बता तुम कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ हो। तो बाबा पूछा, बाबा पूछ रहा है। तो फिर उसने कहा, चलो बता ही दे। तो उसने बताया, यूएसए उस वक्त उसको ट्रैक कर रहा था। तो उसको पता चल गया कि वो आदमी कहाँ है। फिर दोनों गए, सब लोग गए, है ना, जो लोग ट्रैक कर रहे थे उनमें से कुछ लोग गए, उसको पकड़ के लाए, ठीक। तो फिर उससे सारे राज पूछे पाकिस्तान के। तो देखिए पावर ऑफ साइलेंस। और जो लोग चुप रहते हैं, एक कंपनी खोली थी, क्या क्लाउड अमेज़न एक कंपनी थी। तो क्या हुआ कि क्लाउड अमेज़न ने क्या किया कि एक आदमी पता चल गया ये तो ऊपर जाएगी, तो वो तो कंपनी खोले थे, उसने किसी को नहीं बताया, वो चुप बिल्कुल, वो बता वो उसको पता था, उसे कर दिया, ठीक है। उसने क्या कर दिया, शेयर्स के खरीद लिए, वो बैठा अपने लैब में और चला रहा कंप्यूटर। अब कोई पूछा, सर आपको कुछ दिक्कत, उसने बोला नहीं नहीं नहीं। और जब वो ऊपर गया तब भी उसने किसी को नहीं बताया, माने हमें इम्पोर्टेड चीज़ किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया गाइस पावर ऑफ साइलेंस, माने पावर ऑफ साइलेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा रहेगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर। करो ना बाहर ज़्यादा, मन निकलेगा मास्क लगा के निकलेगा, ठीक है, जय।